नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन इज क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी आप पेटीएम पर कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं तो वह पेमेंट आपका 24 घंटे के बाद या फिर नेक्स्ट डे 7 बजे सुबह सेटलमेंट किया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। इससे पहले आप उस पेमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो पेमेंट आपका आ चुका होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उस पेमेंट को जब चाहें तब सेटलमेंट कर अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को इंस्टॉल करना है और उसको ओपन करना है, क्योंकि जो भी सेटलमेंट का प्रोसेस है वो पेटीएम बिजनेस ऐप में ही शो होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ मेरा कुछ पेमेंट्स, मैंने आज अपने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे जिनको ये दिखा रहा है कि जो टोटल अमाउंट है वो 53 रुपीज़ का है और इस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन किए गए हैं, इतने इतने रुपए किए गए हैं और जो टोटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो है 53 रुपीज़। अब मुझे ये जो अमाउंट है इसको सेटल करना है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैं स्टेटमेंट पर जाऊँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये जो सेटलमेंट बाई 10 AM टूमोरो दिखा रहा है, मतलब कि जो ये मेरे 53 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो कल 10 बजे के समथिंग एड सेटलमेंट होगा, मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। बट अब मुझे ये जो अमाउंट है वो मुझे आज अभी सेटल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि आप जो देख रहे होंगे यहाँ साइड में ये वाला आपको ऑप्शन मिलता है सेटल नाउ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ प्रोसेस होके ये आपका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेटलमेंट अमाउंट 53 है और आप इसको प्रोसीड टू सेटल पर क्लिक करके तुरंत का तुरंत अपने अकाउंट में सेटल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं भी यहाँ पर सेटल करता हूँ प्रोसीड टू सेटल। अब ये मैंने जो अपना प्रोसेस है वो मैंने ओके कर दिया है, जिसके बाद ये प्रोसेस कर रहा है और जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जो सेटलमेंट की जो भी वैल्यू है वो क्रेडिट तुरंत का तुरंत हो जाएगी। तो इसी तरह से आप भी कभी भी अपने जो भी आपका अमाउंट है उसको सेटलमेंट कर जब चाहे तब अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन है कि जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है वो कम से कम 50 रुपये होना चाहिए। इससे कम अगर सेटलमेंट अमाउंट होता है तो वह सेटलमेंट नहीं किया जाएगा, उसके लिए फिर आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा जो अमाउंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया गया है और ये आपके पास यहाँ पे UTR नंबर भी आ गया और देखिए मेरे पास मेरे बैंक का ये मैसेज भी आ चुका है कि जो मेरा अकाउंट में 53 रुपीज़ क्रेडिट हो गए हैं। सो इसी तरह से आप भी अपने जो भी आपका अमाउंट है उसको जब चाहे तब सेटल करके अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।